सत्यं निरंकार जनवा अद्वैत पुरखात् सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जनमत अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् निरंकार जनमत अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् निरंकार जनमत अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् निरंकार जनमा अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् नारायण पद बंदिए ताप तापन होए दूर नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत सत शरदा से पूजिए रख सत गुरु की ओट द्रुपदा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित धार रित सिद्ध आवे घर मामी पावे जय जयकार चाठाकर सर्व समराता अपरम शकत अपार मंगत कीजे बंदना नित चरणी बलहार सत मार्ग सोजी मिले तन मन भया निहाल गवन मिटी संसार की सात गुरु मिले दयाल रे बारे करूं बंदना
सत गुरु चरणी माई, मंगत सत गुरु भेट से फेर गर्व नहीं आत। बारे बारे करूं वंदना सत गुरु चरणी माई, मंगत सत गुरु भेट से फेर गर्व नहीं आत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वार्थ नाम दीपक पर गासे ओ प्रभ जी अंतर माई, मंगत दुर्मत त्याग के नित तेरे चरण समाई। नाम दीपक पर गासे ओ प्रभ जी अंतर माई, मंगत दुर्मत त्याग के नित तेरे चरण समाई। आदि देव तू ही समरा था, आदि देव तू ही समरा था, आदि देव तू ही समरा था, आदि देव तू ही समरा था। पूरण पुरख नाथन के नाथा, पूरण पुरख नाथन के नाथा, पूरण पुरख नाथन के नाथा, पूरण पुरख नाथन के नाथा। नित करूं अरदास स्वामी, नित करूं अरदास स्वामी, नित करूं अरदास स्वामी, नित करूं अरदास स्वामी। विपत हरो प्रभ पार गरामी, विपत हरो प्रभ पार गरामी, विपत हरो प्रभ पार गरामी, विपत हरो प्रभ पार गरामी। निश्चल की जो ये चंचल जिया, निश्चल की जो ये चंचल जिया, निश्चल की जो ये चंचल जिया, निश्चल की जो ये चंचल जिया। पूरण पुरख तू सर्व रमिया, पूरण पुरख तू सर्व रमिया, पूरण पुरख तू सर्व रमिया, पूरण पुरख तू सर्व रमिया। तेरी कीरत पल पल धारूं, तेरी कीरत पल पल धारूं, तेरी कीरत पल पल धारूं,
नित बिखारे प्रभ तोए पुकारूं, नित बिखारे प्रभ तोए पुकारूं, नित बिखारे प्रभ तोए पुकारूं, नित बिखारे प्रभ तोए पुकारूं। दर को कर की राज दी जो स्वामी, भगत वत्सल तू पार ग्रामी, अनेक जियां के संकट टारे, विपत माई केते निस्तारे, मूड जना को सुख रत कीना, साची सेव चरण की दीना, तेरी दात का नहीं शुमार, पूर्ण होए जो आए द्वार, अनमत तेरी सरणी आया, राख ले प्रभ पूरण राया, तेरे दर की रजनी अपारे, ओगण भरया मैं नित बिखारी, प्रभ जी होवो नित दयाल, ओगण हार को करो निहाल, सत विश्वास पाऊं प्रभ देवा, अटल ध्यान करूं नित सेवा, तेरे प्रेम में मगन समाऊं, दोस्तर जाल ना चित लख पाऊं, तेरे चरण की रहे परीति, मन ना बाँचे कर्म पलीति, तेरे प्रेम की चढ़े खुमारी, भूख प्यास सब दुख निवारी, तेरे प्रेम में जाए दिन रहना, निर्मल प्रीत पाऊं चित चैना, सकली कल्पना मन की नासे,
अधिक प्रेम तेरा परगासे। खावण पीवण सकल व्यवहार चरण कमल चित रहे विचार। मीन नीर जो प्रीत कमाई एबेद मन तेरे चरण समाई। मीन नीर जो प्रीत कमाई एबेद मन तेरे चरण समाई। अनन भक्ति प्रभ चरण की मन तन माई समाए। मंगत दुबदा सब मिटे जन पूरण रूप हो जाए। अनन भक्ति प्रभ चरण की मन तन माई समाए। मंगत दुबदा सब मिटे जन पूरण रूप हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब तक आपने महामंत्र मंगलाचरण और ईश्वर प्रार्थना के शब्द का ज्ञान सुन रहे थे। आज असावज मास की संक्रांति है। सभी ग्रंथों में सभी सत्पुरुषों ने इस दिन को बड़ा पवित्र दिन माना है संक्रांति के। महाराज जी ने भी बड़ी पवित्रता का दर्जा संक्रांति को दिया है और संक्रांति के विशेष रूप से शब्द भी लिखे हैं। आज के सत्संग में हम विचार करेंगे गुरुमुख और मनमुख में क्या अंतर है। इस संसार में दो ही मार्ग हैं, एक गुरुमुखता का और एक मनमुखता का। गुरुमुखता को हासिल करके ये जीव अपने 84 के बंधन को काट सकता है, जहां से बिछड़ा है और जहां इसने असली घर में मिलना है जाके उस घर को प्राप्त कर सकता है। और मनमुक्ता तो आम जीव हासिल कर ही रहे हैं, तो मनमुक्ता जीव फिर उसी 84 के चक्कर में आ जाता है और उसका कुछ नहीं बन सकता। तो मानुष जामा जिस मकसद के लिए मिला था, उस प्रभु प्राणता होने के लिए, उस अपने असली घर में प्रवेश करने के लिए, इस आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए, तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो दो मार्ग सत्पुरुषों ने बतलाए हैं, गुरुमुखता का और मनमुखता का। तो इस पर महाराज जी की वाणी प्रेमी भाई जितेंद्र जी आपके समक्ष रखें।
दीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा कोई करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए ओम ब्रह्म सत्यम मार्ग दो संसार में प्रगट साहब कीन मंगत जैसा जो चले होए तिस ही में लीन मार्ग दो संसार में प्रगट साहब कीन मंगत जैसा जो चले होए तिस ही मेलीन गुरमुख और की सेवा मांगे मनमुख अपनी सेव कमा दे गुरमुख उद्दम दूजे सुख देवे मनमुख दूजे का सुख हर लेवे गुरमुख साहब की प्रजा को सेवे मनमुख अपने भोग को लेवे गुरमुख मनुआ नित विवेकी मनमुख अंतर नित बदनीति गुरमुख और के सुख पर राजी मनमुख अपने सुख संग लागी गुरमुख अंतर शील संतोख मनमुख तापे मन विषय के दोख गुरमुख पर से परमानंद मनमुख धावे विरत दरंत गुरमुख जीवन सत स्वरूप मनमुख जीवे भरम दर कूप गुरमुख अंतर एक समाया मनमुख अनक संशय भर माया गुरमुख खोजे तत् निर्वाण मनमुख खोजे राज निधान गुरमुख अंतर संपत सत ज्ञान
मन मुख संपे द्रव भूमि अभिमान, गुरमुख साहिब से रखे परीत, मन मुख चाले नित विपरीत, गुरमुख अंतर विरह विराग, मन मुख अंतर विषन का राग, गुरमुख जाने एक सायब जात, मन मुख दावे नाना जमात, गुरमुख अपनी गफलत को त्यागे, मन मुख अपनी सत्ता से भागे, गुरमुख पूजे एक साचा नाम, मन मुख पूजे नारी और धाम, गुरमुख खाए साचा विचार, मन मुख खाए कुल वस्तु संसार, गुरमुख पहने वस्त्र सुखदाई, मन मुख पट पटंबर हडियाई, गुरमुख जाले हंस की चाल, मन मुख चाल बहुरंग की भाल, गुरमुख बोले अमृत सम बोल, मन मुख बोले अगन सम तोल, गुरमुख रैनी सादा दारी, मन मुख उसारे मेल अटारी, गुरमुख ऊंच नीच से प्यार, मन मुख बैठे हो ऊंच का यार, गुरमुख पर नारी पर धन भिख जाने, मन मुख तिनका भोग सुख माने, साच गति गुरमुख लेवे, मन मुख भरम विचार, मंगत कहे समझाए के, जग परसो निर्मल धार, साच गति गुरमुख ले, मन मुख भरम विचार, मंगत कहे समझाए के, जग परसो निर्मल सार, ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने गुरुमुख और मनमुख पर महाराज जी की वाणी का अमृत पान किया। महाराज जी ने एक एक शब्द में बड़ी ही सरल भाषा में गुरुमुख और मनमुख का अंतर बताया है कि संसार में दो ही मार्ग हैं, गुरुमुख और मनमुख। तो जो जीव
जिस मार्ग को भी अपनाता है वो उसी में लीन हो जाता है। तो कई बार गुरुमुख का भी गुरुमुखता के मार्ग पर चलते चलते अभिमान हो जाता है। सभी संतों ने इस अभिमान के बारे में चेताया भी है। महाराज जी ने भी फरमाया है, मन मानी अपनी करी ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को बने जब सिर पर विपदा आई। कि ये गुरु चरणों में जाकर भी, गुरु के वचनों को सुनकर भी अगर उन पर अमल नहीं करता तो अंत समय में जब वो भारी विपदा इसके ऊपर आएगी, उसे कोई बंधु सखा नहीं छुड़ा सकता। तो इस पर महाराज जी के सत उपदेश है, प्रेमी भाई शोभनाथ जी आपके समक्ष रखें। ओम ब्रह्म सत्यम। शरीरों को धारण करके जीव को इनके खेल का सब पता है, मगर शरीर के अंदर जो बोलनहारा है उसको किसी विरले ने ही समझा है। जीव को जन्म से ही खाने पीने देखने सुनने प्रेम क्रोध हर बात की अवस्था के मुताबिक समझ है। यह मेरा संबंधी, यह मेरा मित्र है, यह दुश्मन, और भी संसारी हालात की तरफ बुद्धि दौड़ती है। पशु पंछी जड़ जोनियों के जीवों को इतनी तमीज नहीं होती जितनी मनुष्य चोले के जीव को। जितनी जितनी नीच गति को जीव प्राप्त होता है उतनी उतनी तमीज भी उसे कम होती है। केवल मनुष्य जामे में इसे अच्छी तरह हर बात का ज्ञान होता है। केवल मनुष्य जामे में इसे अच्छी तरह हर बात का ज्ञान होता है। मनुष्य में भी जड़ बुद्धि के जीव होते हैं जिनकी बुद्धि पशुओं से भी गई गुजरी होती है। जैसा जैसा जीव कर्म करते हैं उनके अनुसार ही उनकी शक्ल व सूरत भी बनती चली जाती है। जैसा जैसा जीव कर्म करते हैं उनके अनुसार ही उनकी शक्ल व सूरत भी बनती चली जाती है। एक भजनिक सेवादार जो अच्छा पुण्य दान करने वाला है उसे देखकर चित प्रसन्न होता है। एक बकरे काटने वाले जल्लाद की शक्ल देखकर भय लगता है। नेक व बद कर्मों का असर जीव के चेहरे से ही जाहिर हो जाता है। नेक व बद कर्मों का असर जीव के चेहरे से ही जाहिर हो जाता है। अच्छा कर्म जिस जगह भी रहकर किया जावे सुख स्वरूप ही होगा। अच्छा कर्म जिस जगह भी रहकर किया जावे सुख स्वरूप ही होगा। दूसरे देखने वाले भी धन्य धन्य करेंगे। खोटा कर्म करने वाले को हर जगह ही लानत मिलती है। विचार यह है कि संसार में जितने भी शरीरधारी जीव हैं उन सब में श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाला मनुष्य चोला ही है। इस देह में जीव सत असत का अच्छी तरह विचार कर सकता है। इस देह में जीव सत असत का अच्छी तरह विचार कर सकता है। वैसे
जीव दिन रात जो कर्म करता है सब के सब शरीर की रक्षा और पालन पोषण के लिए करता है। अज्ञानवश होकर यह समझता है कि इंद्रियों के भोग ही सब कुछ हैं। अज्ञानवश होकर यह समझता है कि इंद्रियों के भोग ही सब कुछ हैं, इनको हासिल करके इनके द्वारा ही चित्त को शांति प्राप्त हो सकती है। इस भूल में कई जन्म जन्मांतर शरीरों को धारण किए हुए गुजर जाते हैं, मगर इसको तृप्ति शांति नहीं मिलती। एक ऐसे जीव हैं जो धन के जरिए हासिल किए हुए पदार्थ द्वारा इंद्रियों के सुख भोग एकत्र करने में शांति समझते हैं। एक ऐसे जीव हैं जो धन के जरिए हासिल किए हुए पदार्थ द्वारा इंद्रियों के सुख भोग एकत्र करने में शांति समझते हैं। इस धन को हासिल करने के वास्ते सात्विक राजस कर्म करते हुए जीवन गुजारते हैं, कभी कभी तमोगुण कर्म भी कर जाते हैं। ऐसे जीव दरमियानी दर्जे के होते हैं और ये आम होते हैं। कोई जीव ऐसे जड़ बुद्धि वाले भी होते हैं जो चोरी ठगी कत्ल वगैरह करके दूसरों के धन माल को लूट कर अपने सुख प्राप्त करते हैं। यह तीसरे दर्जे के बेहोश तमोगुणी जीव हैं। इन सब से श्रेष्ठ वे हैं जो भजन बंदगी करके जनता की सेवा में समय गुजारते हैं। सेवा और सत्सिमरन ही अपना धर्म समझते हैं। सच्ची शांति हासिल करने के वास्ते बड़े बड़े सत्कर्म यज्ञ पुण्य दान करते हैं। जो भी अच्छा कर्म करते हैं सब प्रभु प्रायण होकर करते हैं। प्रभु प्रायणता ही असली धर्म बंदगी तपस्या है। प्रभु प्रायणता ही असली धर्म बंदगी तपस्या है। सब गुरु पीर अवतारों पैगंबरों का यही मत रहा है। मनमती लोगों ने कई तरीके इख्तियार कर रखे हैं। रब की रजा, वाहे गुरु का भाणा, ईश्वर आज्ञा का एक ही मतलब है। रब की रजा, वाहे गुरु का भाणा, ईश्वर आज्ञा का एक ही मतलब है। होना ना होना सब उसकी आज्ञा में विचार करना यह गुरुमुखों का मत है। होना ना होना सब उसकी आज्ञा में विचार करना यह गुरुमुखों का मत है। कई तरह के तप पुण्य दान तीर्थ स्नान करके उनका मानी बनना यह मनमुखों का मार्ग है। मनमुखी जीव कभी भी सच्ची शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। इस समय की यह हालत है। शर्म धर्म दोए छिप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। यह शब्द नानक ने कहे हैं। यह कथा इस तरह है कि नानक किसी गांव में गए। वहां बहुत से साधु फकीर और लोग भी जमा थे। उन्होंने भी वहां डेरा लगा लिया। वहां पठानों के घर शादी हो रही थी। सब उसी जगह नाच गानों में मस्त हो रहे थे। किसी ने फकीरों से अन्न पानी तक न पूछा। यह तमाशा देख नानक ने महसूस किया और यह शब्द कहे। जैसी में आवे खसम की बाणी, त
तैसे करी बखान वे लालो पाप की जंझ ले काबलों धाया जोरी मंगे दान वे लालो शर्म धर्म सब छिप खलोए कूड़ फिरे परधान वे लालो। ये शब्द और भी हैं, मतलब ये है कि जिस घर में नानक ठहरे थे वह ब्राह्मण का था। ब्राह्मण कहने लगा इस संत ने बड़े गुस्से क्रोध विच आकर शब्द बोलिया है, सब मिल के माफ़ी मांगो और अर्ज करो कि यह शब्द वापस लौटा लें। सब ने ऐसा ही किया। नानक जी ने फरमाया जो तीर कमान से निकल जाता है वह लौटा नहीं करता, तुम इस जगह को छोड़ दूसरी जगह तीन चार कोस पर जो जगह है वहाँ चले जाओ। नानक भी वहाँ से उठकर दूसरी जगह दूर जा बैठे। काबुल की तरफ से बाबर चढ़ाई करके आ रहा था, उस जगह पहुँचकर उसने हिंदू मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। जो लोग दूर चले गए थे सब कहने लगे जिस जगह फकीरों को दुख दिया जाता है वहाँ ऐसे ही बर्बादी हो जाती है, हम तो संतों की कृपा से बचकर आ गए हैं, संतों का कहा मानने में सुख होता है। किसी जात जमात का साधु हो सब ही नमस्कार योग्य है। नानक ने उस जगह को आकर देखा जहाँ कत्लेआम हुआ था, देखकर कहने लगे कि मर गई वह शान व शौकत, इस गांव का दो रोज पहले खूब धूमधाम हो रही थी, अमीर गरीब जो बड़े बेफिक्री से रह रहे थे किधर गए, मुगल और पठानों की लड़ाई ने कितनी अंधेर गर्दी मचा दी है, हिंदू मुसलमान तबाह हो गए हैं, करण करावण हार प्रभु आप हैं, जो तुद भाए जो तुद पावे साईं भली कार। दुख सुख सब उसके भाणे में हो रहा है, दुख सुख सब उसके भाणे में हो रहा है, सब जीव प्रारब्ध कर्मों को भोग भोग रहे हैं। नानक ने देखा सब तरफ मुगलों की दुहाई मच रही है, पठानों का हद से ज़्यादा कत्ल हो चुका है। वह उधर चले गए जहाँ बाबर का डेरा था। बाबर का असूल था दिन के वक़्त बादशाही करता था और रात के समय पाँव में बेड़ी डालकर खुदा को याद करता था, पांच वक़्त की नमाज पढ़कर कुरान पढ़कर रोटी खाता था। नानक ने कैंप में एक तरफ बैठकर मर्दाने से कहा रबाब बजाओ। बाबर ने जब आवाज़ सुनी पता लगा कोई फकीर बाहर बैठा है, सिपाहियों को हुक्म हुआ उसको हाजिर करो। सिपाहियों ने जब नानक को ले जाकर बाबर के सामने पेश किया तो बाबर ने कहा जो तुम गा रहे थे फिर सुनाओ। शब्द सुनने के बाद कहने लगा संत साहेब मुझे भांग पीने का बड़ा शौक है, सोने के प्याले में डालकर आगे करते हुए कहा कि आप भी नोश फरमाएं। आगे से नानक ने कहा हमने तो वह भांग पी हुई है जिसका नशा उतरता ही नहीं। कई सवाल जवाब हुए, आखिर बाबर ने जान लिया कि यह तो कोई पहुंचा हुआ फकीर है, वली अल्लाह है। उस वक्त कहा आपको जिसकी ज़रूरत है ले लीजिए,
कहें तो जागीर दे सकता हूँ, कहें तो जागीर दे सकता हूँ। आगे से नानक ने जवाब दिया, जो खुदा परमात्मा सबका राजक रोजी रसा है, जिसका दिया हुआ सब जिया जंत खा रहे हैं, उसको छोड़कर और किसी के आगे मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाया जाएगा। कहे नानक सुन बाबर मीर, जो तुझसे मांगे सो अहमक फकीर। कड़क कर जवाब दिया। जब ऐसा जवाब सुना बाबर को होश आया और समझा यह कोई सच्चा साधु है, उससे वसाले हक का रास्ता पूछना चाहिए। तब बाबर ने अर्ज की कि हजरत मोहम्मद साहब खुदा के दोस्त हैं। तब बाबर ने अर्ज की कि हजरत मोहम्मद साहब खुदा के दोस्त हैं, उनकी सिफारिश से स्वर्ग नसीब होगी। नानक ने जवाब दिया, एक साहेब एको खुदाए, खालक सच्चा बेपरवाह है, कई मोहम्मद खड़े दरबार, पार न पावे बेशुमार, रसूल रसाल दुनिया में आया, जब चाहे पकड़ मंगाया। पाक खुदा और सब बंदे, यह सुनकर बाबर सोच में पड़ गया। नानक साहब ने कहा, यह जितने कैदी तूने बना रखे हैं सबको छोड़, अगर तू खुदा की मेहर चाहता है। यह जितने कैदी तूने बना रखे हैं सबको छोड़, अगर तू खुदा की मेहर चाहता है। फिर कहा, बाबर मांग क्या चाहता है। तब बाबर ने आजजी से कहा, मेरी बादशाहत पुश्त दर पुश्त चले। तब नानक ने कहा, जा सात पुश्त तेरी बादशाहत चलेगी। तब नानक ने कहा, जा सात पुश्त तेरी बादशाहत चलेगी। तब बाबर ने खुश होकर सब कैदी छोड़ दिए और बड़े आदर सत्कार से नानक साहब को विदा किया और वह करतारपुर आ गए। जिसको परमात्मा बरकत देता है उसके अंदर अकल भी वैसी ही आ जाती है। जिसको परमात्मा बरकत देता है उसके अंदर अकल भी वैसी ही आ जाती है। ताकत इतनी थी कि आदमियों को बगल में दोनों तरफ दबाकर दौड़ लेता था, उसे कोई पकड़ न सकता था। फकीर के आशीर्वाद से वह रंग लगा कि मुगल कितनी मुद्दत राज करते रहे। बादशाहों के अंदर भी फकीरी ताकत होती है, बादशाहों के अंदर भी फकीरी ताकत होती है, तब ही उनके हुक्म के आगे दुनिया झुकती है। किसी मजहब की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी मजहब की निंदा नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों के अंदर खुदा का यकीन आजजी का मादा हद से ज़्यादा होता है, यह अलग बात है उनके अंदर अनपढ़ हैं, इसलिए मौलवी वगैरह उल्टे रास्ते लगा देते हैं। हर मजहब के अंदर ऐसे लोग होते आए हैं, सही रास्ते से भटका देते हैं। हिंदू कौन ईश्वर को मानने वाले हैं, यह भी पत्थर पूज मुर्दों को याद करने वाले हैं। हिंदू कौन ईश्वर को मानने वाले हैं, यह भी पत्थर पूज मुर्दों को याद करने वाले हैं। सुकून, ईश्वर की याद और निर्माणता आजदी में है। जिन्होंने प्रभु प्रायण होकर जिंदगी गुजारी है,
चाहे वे मगरब में हुए या मशक में, सब नमस्कार योग्य हैं। मूर्ख दुविधाधारी हर जमाने में होते आए हैं, हर युग में जालम जावर हो गुजरे हैं। दुर्योधन ने कब कृष्ण की बात मानी थी? द्रौपदी को सरे दरबार नंगा किया गया, श्राफत किधर चली गई थी? आखिर कौरवों पांडवों की दुविधा क्या रंग लाई? मन मुखों का हर समय अपना अपना रंग रहा है। गुरमुख निर्मानता में वक़्त गुजार कर खुद भी ठंडक को प्राप्त हुए और दूसरों को भी शांति का मार्ग दिखाया। ईश्वर ही अकल बख्शें, सतबुद्धि देवें, जिससे अपना भला बुरा सोचकर सच्चा रास्ता पकड़कर अपनी मुक्ति आप करें। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने महाराज जी का एक सत्य उपदेश श्रवण किया, जिसमें महाराज जी ने सतगुरुदेव श्री नानक देव जी का जिक्र किया कि किस प्रकार संतों के अंदर कितनी शक्ति होती है, जो कोई उनका अनादर करता है तो बहुत बड़ी विपत्ति इस जीव पर आ जाती है। तो कई गुरुमुखों का जीवन होता कैसा है? गुरुमुख तो लाखों में एक होता है, कोई विरले ही होते हैं। इस बात को हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। गुरु अर्जन देव जी के दरबार में दो रागी हुआ करते थे, सत्ता और बलवंड। वो राग में बड़े प्रवीण थे और उनको अपने राग के ऊपर घमंड भी आ गया था कि हमारे बगैर गुरु दरबार में राग चल ही नहीं सकता। एक बार सत्ता की बेटी की शादी थी तो उनके अंदर अभिमान था कि वो गुरु दरबार के रागी हैं, खूब धूमधाम से ये शादी करेंगे। तो उन्होंने गुरु दरबार में जाकर गुरु जी से आग्रह किया कि महाराज जी, बेटी की शादी है, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम धूमधाम से शादी कर सकें, तो एक दिन का जो चढ़ावा आएगा अगर उसकी आज्ञा आप दे दें, उससे हमारे बेटी की शादी हो जाएगी। गुरुजी मुस्कुराए कि तुम चिंता क्यों करते हो, आपकी बिटिया की शादी हो जाएगी। लेकिन उनमें शंका आ गई उनके दिल में कि गुरुजी ने तो हमारे को ऐसी टरका दिया, कोई बात तो सही बताई नहीं, हाँ तो भरी नहीं। तो इसी विषय पे ये दृष्टांत है, बड़े ध्यान से सुनिए कि गुरुमुखों का जीवन कैसा होता है। और कई बार लोग गुरुमुखता के ऊपर चलते हुए उनके मन में इतना घमंड आ जाता है और गुरु उसको फिर चेतावनी देते हैं कि ये मार्ग ठीक नहीं है। सत्ता और बलमंड दोनों सगे भाई थे, वह भाड़ जाति से थे और पांचवें बादशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के समय उनकी हजूरी में कीर्तन किया करते थे। रागों में निपुण होने के कारण वे अच्छे रबाबी बन गए, उनकी चारों तरफ कीर्ति थी और गुरुघर में उनको अच्छा मान सम्मान प्राप्त था। उनका कीर्तन सुनकर सारी संगत का समा बन जाता था। सत्ता की लड़की जवान हुई तो उसका विवाह करने का निर्णय किया गया। गुरुघर के रबाबी होने के कारण उन्होंने सलाह की कि लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किया जाएगा, लेकिन सत्ता और बलवंड के पास इतना धन नहीं था कि जो अच्छा दहेज दे सकें और आए मेहमानों एवं बरातियों को अच्छा से अच्छा भोजन खिला सकें। सत्ता ने अपने भाई बलवंड से सलाह करके मन में सोचा कि वे सतगुरु जी के आगे प्रार्थना करेंगे कि सतगुरु जी एक दिन की सारी भेंट उन्हें देने की कृपा करें, वह भेंट अधिक होगी तथा उनके सारे कार्य समर जाएंगे, भी शादी भी हो जाएगी तो
तो भेंट इतनी चढ़ती थी कि उसके बाद के भी सारे कार्य उस एक दिन की भेंट से हो जाएंगे, ये दोनों भाइयों ने सोच लिया। यह सोचकर दोनों भाई सतगुरु जी के पास गए और विनती की, महाराज मारी लड़की का विवाह है लेकिन विवाह का खर्च पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए आप जी कृपा करके आज की सारी भेंट हमें देकर मेहर करें। रबाबियों की यह बात सुनकर सतगुरु जी मुस्करा दिए और वचन किया कि राजकन्या राय कन्या की शादी की चिंता न करो, गुरु घर में कीर्तने होने के कारण आपको कोई कमी नहीं आएगी। गुरु का फरमान था कि विश्वास करो आपकी गुरु घर में हर रोज हाजिरी लगती है, कोई कमी नहीं आएगी, आवश्यकता अनुसार आपको धन मिल जाएगा। लेकिन सत्ता और बलमंड सतगुरु जी के वचनों का भावार्थ ना समझ सके और उनके मन में लालच आ गया था कि सतगुरु जी उनके मन की बदली हुई दशा को जान गए थे, इसलिए गुरु जी अहंकार की अग्नि से उन दोनों को बचाना चाहते थे। लेकिन रबाबी अहंकार से न बच सके और उन्होंने अपनी जिद न छोड़ी। अंत में सतगुरु जी ने वचन किया कि ठीक है, जो भेंट कल संगत चढ़ाएगी आप ले जाना और उससे अपनी पुत्री की शादी कर लेना। जिद कर बैठे कि हमें तो एक दिन की भेंट चाहिए, जबकि महाराज जी ने आश्वस्त कर दिया था कि आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। मन में संशय आ गया, जब दमंद आ जाता है किसी प्राणी के या गुरुमुख के मन में तो द्वंद ही एक बहुत बड़ी रुकावट है इस अध्यात्म के मार्ग में। प्रातःकाल सत्ता और बलमंड ने कीर्तन करना शुरू किया लेकिन उनकी वृत्ति कीर्तन की तरफ से उखड़कर भेंट की ओर लग गई। कीर्तन के समय जो भी सिख या गुरु घर का श्रद्धालु आकर नमस्कार करता तो दोनों भाइयों की निगाह उसके चढ़ावे की तरफ लग जाती कि उनको तो लगन वही थी कि आज का चढ़ावा हमें मिलेगा, तो इसने क्या चढ़ाया। हर प्रेमी की तरफ उनकी नजर जाती थी। इस तरह कीर्तन में रस न रहा, ताल की एक सुरता टूट गई और लय कांपने लगी, गुरुवाणी में भी कहीं भूले होने लगी तथा बेरसी सी छा गई। उनके कीर्तन की बेरसी और संगत के कम आने के कारण ऐसा सबब बना कि 100 रुपये से अधिक चढ़ावा भेंट न हुआ। भेंट कम देखकर दोनों भाइयों के सिर में पानी फिर गया। जब घमंड आ जाता है गुरुमुख के मन में भी, महाराज जी के दरबार में भी, शोभराज और देवराज जी दो भाई बड़े ही महाराज जी की शिक्षा पर चलने वाले थे। देवराज जी बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तो जब भी वो सत्संग किया करते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाया करती थी, कोई हिलजुल नहीं, इतना रस उनके सत्संग में हुआ करता था। तो देवराज जी को अपने इस हुनर के कारण बहुत घमंड आ गया। एक बार सालाना सत्संग चल रहा था, देवराज जी ने प्रार्थना की कि मुझे कुछ समय अधिक दिया जाए, कम समय में तो मेरी शुरुआत ही नहीं हो पाती। घमंड था उनमें, महाराज जी मुस्कराए, कम समय में काम चला लो, नहीं मेरे को ज़्यादा समय चाहिए। समय दे दिया गया महाराज जी के द्वारा। जब गुरु गद्दी पर बैठे सत्संग करने तो उस घमंड के कारण जो कुछ भी उनको बोलना था वो सब भूल गए, बोल ही ना पाए क्योंकि महाराज जी ने उनका घमंड वो चूर चूर करना था। अभिमान और घमंड इस मार्ग में दो बहुत बड़ी बाधाएं हैं। और फिर इसके बाद कुछ समय के पश्चात बहुत शर्मिंदा हुए देवराज जी, काफी समय तक वो सत्संग में भी नहीं आए। कुछ समय के पश्चात महाराज जी ने आए हुए थे, खुद उनको समय दिया कि आप आइए सत्संग कीजिए। उस समय महाराज जी का आशीर्वाद था तो ऐसा धारा प्रवाह उन्होंने सत्संग किया कि सभी चकित रह गए। तो घमंड बहुत बुरी चीज है ये, तो यही घमंड इन दो रागियों के अंदर आ गया था। तो महाराज जी की वो बात समझ नहीं सके, वह उनके कीर्तन की बेरसी और संगत के कमाने के कारण ऐसा सबब बना कि 100 रुपये से अधिक चढ़ावा भेंट न हुआ। भेंट कम देखकर दोनों भाइयों के सिर में पानी फिर गया। वह कुछ गुस्से और हैरानी के साथ बोले, महाराज
संगत की ओर से भेंट बहुत कम चढ़ाई गई है, इसलिए हमारी और सहायता कीजिए, इतने से शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर पांचवें पातशाह मुस्कुराए और वचन किया, भाई आपने चढ़ावे का फैसला किया था, इसलिए चढ़ावा ले जाओ, कन्या की किस्मत में जो कुछ होगा वह उसको मिल जाएगा। लड़की की चिंता ना करो, पर अपना वचन निभाओ कि आपने तो कहा था हमें एक दिन का चढ़ावा चाहिए, आपको चढ़ावा दिया जा रहा है, जाइए लड़की की शादी कीजिए। उस समय दोनों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तथा उनको किसी बात की समझ ही नहीं आई। मन में अहंकार था कि वह कीर्तनीय हैं, यदि कीर्तन न करेंगे तो गुरु का दरबार कैसे लगेगा। सतगुरु महाराज जी की शक्ति का अनुभव भी भूल गया और अहंकार करके घर बैठने का फैसला कर लिया। महाराज जी ने एक दिन का चढ़ावा देने के पश्चात फिर आशीर्वाद दे दिया कि लड़की की शादी हो जाएगी, लेकिन उनके मन में फिर वही द्वंद्व, वही संशय रहा कि हम तो महाराज गुरु दरबार के रागिए हैं, अगर हम गुरु दरबार में नहीं आएंगे तो गुरु दरबार कैसे सजेगा, कौन राग करेगा, कौन सत्संग करेगा। अगली सुबह आशा की वार का कीर्तन होना था, लेकिन दोनों ही रबाबी हाजिर न हुए और घर में पलंग पर लेटे रहे। दरबार में संगत इंतजार करने लगी। सतगुरु जी भी अपने नियम अनुसार दरबार में उपस्थित हुए और सिंहासन पर विराजमान हो गए। गुरु जी ने रबाबियों को दरबार में अनुपस्थित देखकर एक सिख को कहा कि वह उन दोनों को बुला कर लाए। सरदालो सिख दौड़कर गया, उसने दोनों भाइयों सत्ता और बलवंड को जाकर कहा, श्रीमान जी सच्चे पातशाह आपको याद कर रहे हैं, आप चलकर कीर्तन करो। यह सुनकर सत्य के तन बदन में आग लग गई और पागलों की तरह गुस्से से बोला, हमने कोई कीर्तन नहीं करने जाना, यदि हमने चढ़ावे के लिए कहा तो मसंदों द्वारा चढ़ावा रोक दिया गया। उनके मन में संशय आ गया कि चढ़ावा चढ़ाने से ही रोक दिया गया गुरु जी द्वारा, यदि हमने चढ़ावे के लिए कहा तो मसंदों द्वारा चढ़ावा रोक दिया गया, हमारे साथ भेदभाव किया गया है, इसलिए आज से हम गुरु घर में कीर्तन नहीं करेंगे। बहुत बड़ा गलत फैसला कर बैठे दोनों रागी। अभिमान था कि हमारे बगैर गुरु घर का कीर्तन नहीं हो पाएगा, और जवाब दे बैठे जो महाराज जी ने भेजे थे गुरु सिख को कि उनको बुला कर लाओ, टोटल जवाब दे दिया कि हम नहीं जाएं आएंगे, किसी और सोढ़ी या बेदी के आगे कीर्तन करके उसको गुरु बना सकते हैं। गुरु बनना, गुरु बनाना या न बनाना हमारे वश में है, कितना बड़ा अहंकार दोनों के अंदर था। गुरु बनाना या ना बनाना हमारे वश में है। यह उत्तर सुनकर सिख वापिस लौट आया और उसने सारी बात सतगुरु महाराज जी के आगे व्यक्त कर दी। दया एवं विनय के सागर सच्चे पातशाह नाराज न हुए, अपितु भाई गुरुदास जी को यह कहकर भेजा कि वह रागियों को सत्कार सही दरबार में ले आए, उनकी कन्या का विवाह उसी तरह धूमधाम से हो जाएगा जैसा वह चाहते हैं। तो गुरु तो दयावान होते हैं। गुरुदास जी को फिर कहा कि वो जैसा विवाह चाहते हैं हो जाएगा, वो चिंता ना करें। भाई गुरुदास जी सत्ता और बलवंड के घर पहुंचे, फिर से भेजा गया। उन्होंने बड़ी नम्रता से दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रबाबियों का गुस्सा शांत ना हुआ। भाई बलवंड ने बड़े गुस्से और मूर्खता के साथ यह जवाब दिया, दूसरे भाई ने जवाब दिया भाई बलवंड ने, कि जाओ आप कीर्तन कर लो, भाई बलवंड ने बड़े गुस्से और मूर्खता के साथ यह जवाब दिया कि जाओ आप कीर्तन कर लो, गुरु यदि इतनी शक्ति रखते हैं तो वह आप ही कीर्तन करें, हम आगे से गुरु दरबार में कीर्तन नहीं करेंगे। भाई गुरुदास जी ने फिर भी इसका गुस्सा न किया, अपितु सत्ता और बलवंड को समझाकर उनके मन को शांत करने का अथक प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस न हुए। दोनों भाई हट करके बैठे रहे मगर गुरु दरबार में उपस्थित न हुए, हट कर बैठे। सतगुरु देव जी ने तो फिर पता भजवा दिया कि उनकी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी, लेकिन उन्होंने फिर उस पर विश्वास नहीं किया। पांचवें पातशाह
श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज स्वयं सिंहासन से उठकर रबाबियों के घर पहुँचे। संगत भी गुरु जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सतगुरु जी ने भाई गुरदास जी के अलावा किसी अन्य को साथ ना लिए। गुरुदेव फिर साथ हो लिए, गुरदास जी को साथ लेकर। संगत भी जाना चाहती थी कि उनको मना कर लाएंगे, गुस्सा हो रहे हैं। देखो गुरुओं के मन में कितनी दया होती है, फिर भी गुस्सा नहीं किया। उसी शांत स्वभाव से संतार बलवंड के घर जाने का निश्चय कर लिया महाराज जी ने। संगत भी गुरु जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सतगुरु जी ने भाई गुरदास जी के अलावा किसी अन्य को साथ न लिया। दीन दुनिया के वाली सत्ता और बलवंड के घर पधारे तो सबब से दरवाजा खुला हुआ था। गुरु साहिब आंगन में चले गए, आगे दोनों भाई चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने इतना जिद्दीपन अपनाया कि न उठकर श्री सतगुरु अर्जुन देव जी को नमस्कार की और न ही उनका स्वागत किया, अपितु आंखें झुकाकर बैठे रहे। सतगुरु जी ने नम्रता से वचन किया, चलो भाई गुरु घर में कीर्तन करो और सतगुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करो। फिर वही नम्रता भाव कि चलो भाई गुरु घर में कीर्तन करो और सतगुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करो। गुरु घर के साथ नाराज होना ठीक नहीं, गुरुवाणी संगत को सुनानी है। आपकी कन्या की शादी के लिए आपको पर्याप्त धन मिल जाएगा। फिर आश्वस्त कर दिया। राय बलवंड बड़ा गुस्सैल स्वभाव वाला साबित हुआ। उसने आगे से बड़े अहंकार के साथ कहा, हमने नहीं कीर्तन करने जाना, हमने आपको गुरु बनाने का प्रयास किया, लेकिन आपने हमारे साथ छल करके भेंट न चढ़ने दी। कि उनके मन में देखो कितना बड़ा द्वंद्व था कि आपने ही उस दिन भेंट नहीं चढ़ने दी, जो इतनी कम भेंट चढ़ी है। गुरु महाराज को साक्षात भगवान को कह रहे हैं। कितनी मंद बुद्धि उस समय उनकी घूम गई थी उस घमंड के कारण। जिससे दिल चाहे कीर्तन करवा लें, हम किसी अन्य सोड़ी के पास चले जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु रामदास जी तक हम ही गुरु बनाते आए हैं, यदि हम कीर्तन न करते तो आपको किसने गुरु मानना था। कितना बड़ा अहंकार कि गुरु बनाने वाले तो हम ही हैं, अगर हम कीर्तन न करते तो आपको भी किसने गुरु बनाना था। कितना बड़ा अहंकार इस जीव के अंदर आ जाता है, और ये अहंकार वो प्रभु तोड़ता जरूर है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने जब ऐसे कटु वचन सुने तो बड़े सती गुरुओं की निंदा सुनी, तब वह सहन न कर सके और क्रोध में आकर वचन किया कि सत्ता और बलवंड, आप कुष्ठ हो गए हो, यह कुष्ठ आपको तंग करेगा। यह वचन करके गुरुजी अपने दरबार में आ गए कि उन्होंने तो सारे गुरुओं की ही तोहीन कर दी, खाली हमारी तक करते तो कोई बात नहीं थी, ये तो कह रहे हैं कि सारे गुरुओं को हमने ही बनाया है। तो बहुत दुखी होकर महाराज जी को उनको ये ऐसा कहना पड़ा कि सत्ता और बलवंड, आप कुष्ठी हो गए हो, या कुष्ठ आपको तंग करेगा। यह वचन करके गुरुजी अपने दरबार में आ गए। दरबार में आकर गुरुजी ने अपनी आत्मिक शक्ति का एक महान चमत्कार दिखाया, और वह चमत्कार इस प्रकार था कि उन्होंने दरबार में हुक्म कर दिया कि आज से गुरु घर के सिख आप कीर्तन किया करेंगे, साज बजाएंगे, और ऐसे अहंकारी गायकों की कमी कभी आवश्यकता नहीं रहेगी। महाराज जी ने, सतगुरु देव जी ने यह परंपरा ही बंद कर दी रागियों की कि आज से सभी मिलकर ये कीर्तन करेंगे, सारी संगत मिलकर आज से कीर्तन किया करेगी, साज बजाएंगे, और ऐसे अहंकारी गायकों की कभी आवश्यकता नहीं रहेगी। यह वचन करके सतगुरु जी ने दो सिखों को इशारा किया कि वह साज पकड़कर कीर्तन करें। सिखों ने साज लेकर राग गाया। ऐसा चमत्कार हुआ कि गंधर्व रागियों की तरह कीर्तन का रस बंद गया तथा सचमुच ही रबाबियों की आवश्यकता न रही। ऐसी शक्तिपात किया महाराज जी ने कि जो गुरसिखों को हुक्म दिया था कि आप आके कीर्तन करिए, ऐसा कीर्तन उन्होंने किया कि वो सत्ता और बलवंड के कीर्तन से भी बहुत आगे निकल गया। तो महाराज जी ने जो वचन दिया था तो कुष्ठ रोग तो उनको होना ही था। सतगुरु जी के वापिस आने के पश्चात सत्ता वापिस जाने के पश्चात आने के पश्चात सत्ता और बलवंड को
सचमुच ही कुष्ठ रोग हो गया। वह जिधर को निकलते लोग उनके दर्शन न करते और अपना द्वार बंद कर लेते, क्योंकि वह सतगुरु जी के फटकारे हुए थे। धीरे धीरे रोग बढ़ गया, एकत्रित किया हुआ धन समाप्त हो गया और गुरु निंदकों को किसी सोढ़ी या बेदी ने मुंह नहीं लगाया। उनके मन में तो था कि किसी दूसरे दरबार में जाएंगे, तुम बहुत बड़े रागी हैं और वहां जाकर हमें काम मिल जाएगा, लेकिन किसी दरबारी ने भी उनको मुंह न लगाया और दिन पर दिन उनकी दशा खराब हो गई तथा वह दुख पाने लगे। दुख हुए दोनों भाई चाहते थे कि सतगुरु जी उन दोनों की भूल क्षमा कर दें, लेकिन वह सतगुरु जी के हजूर में किसी तरह भी नहीं जा सकते थे, उनका मुंह ही नहीं था सतबार दरबार में जाने का। गुरु जी ने हुक्म किया था कि जो भी कोई इन दोनों की फरियाद करेगा उनका मुंह काला कर दिया जाएगा, जिस कारण कोई भी सिख डरता हुआ सतगुरु के समक्ष विनती न करता। तो सतगुरु ने यह भी आदेश कर दिया था कि जो कोई भी इनकी सिफारिश लेकर आएगा कि इनको माफ कर दो तो उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। इसलिए किसी में भी नहीं हिम्मत होती थी कि सत्तार बलवंड के बारे में कहने कि महाराज उनको माफ कर दें, क्योंकि महाराज ने हुक्म दिया था कि उसके साथ भी ऐसा सलूक किया जाएगा। दोनों भाई अपनी छत पर खड़े होकर अपने मुख पर आप तमाचे मारते थे और की भी भूल पर रो रो कर पछतावा करते थे। वह चिल्ला कर कहते, कोई हमारा दुख सुने तथा गुरुजी के पास ले चले, हम पापी और महाकुष्ठी हैं, हमारी फरियाद सुनी जाए। लेकिन कोई भी हाँ न करता जो उनकी फरियाद सुनता, छत पर खड़े होकर काला मुंह करके फरियाद करते, कोई हमारी फरियाद गुरु तक पहुंचा दे तो हमें इस रोग से छुटकारा मिल जाए। लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सतगुरु ने आदेश दिया था कि जो इनकी फरियाद लेकर आएगा उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। राय बलमंड को याद आया कि लाहौर में भाई लद्दा परोपकारी है। दुख तकलीफ उठाते हुए पैदल चलकर दोनों भाई लाहौर पहुंचे। भाई लद्दा जी के पास जाकर उन्होंने विलाप करके कहा, भाई लद्दा जी आप परोपकारी महापुरुष हो, यह तो आपने सुन ही लिया है कि हमने सतगुरु अर्जुन देव जी पातशाह के हजूर निंदा भरे वचन बोले हैं। अहंकार और लालच ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, हम अंधे और बहरे हो गए थे, सतगुरु के वचन अनुसार हमें कुष्ठ रोग हो गया है, हम अत्यंत दुखी हैं, कृपा करें और सतगुरु जी से भूल क्षमा करवा दें। भाई लद्दा बहुत ही बड़े गुरुमुख थे और सत्परोपकार के मार्ग पर चलने वाले थे। जो भी अपनी फरियाद लेकर उनके पास जाता था तो वो गुरुमुख थे, उनकी फरियाद जरूर सुना करते थे। तो दोनों भाई सत्तर बलवंड भाई लद्दा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि आप हमारी फरियाद गुरु जी तक पहुंचा दो ताकि हमें इस नरक से छुटकारा मिल जाए। इस तरह विनती करते हुए वह रोते तथा पीटते गए। तब भाई लद्दा परोपकारी के मन में दया आ गई, उन्होंने वचन किया, अब आप जाएं, मैं कल सतगुरु जी के दरबार में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना करूंगा और आपके लिए क्षमा की भीख मांगूंगा। भाई लद्दा जी ने कह दिया कि आप जाओ, मैं गुरु दरबार के दरबार में जाऊंगा और आपके लिए, आपके बख्शवाने के लिए भीख मांगूंगा, आशा है कि सतगुरु जी मेहर के घर में आएंगे। सत्तार बलवंड भाई लद्दा जी से कुछ आशा भरे वचन सुनकर उसका यश करते हुए अपने घर लौट आए। भाई लद्दा जी लाहौर में सतगुरु जी के श्रद्धालु सिख थे। आप बड़े परोपकारी तथा दया धर्म और नाम के रसिया थे, जिस कारण हर कोई दुखिया उनके पास जाता और विनती करता था। उनको जब पता लगा कि सत्ता और बलवंड की जो सिफारिश करेगा उसको बदनाम होना पड़ेगा, उसकी हर तरफ बदनामी होगी, क्योंकि सतगुरु का हुक्म है कि जो कोई सत्ता तथा बलवंड की सिफारिश करेगा उसका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर घुमाया जाएगा। परोपकारी भाई लद्दा जी ने आप ही नसर होने का उपाय बना लिया कि ये तो महाराज जी ने फरमान सुनाया हुआ है कि जो इनकी सिफारिश लेकर आएगा उसका मुंह काला करके गधे पर बिठाया जाएगा। तो भाई लद्दा जी ने मन में पहले ही ठान लिया कि मैं खुद ही ये काम कर लेता हूँ, पहले ही
भाई लद्दा ने एक गधा मंगवाकर उसको चीथड़ों की लगाम डाली और फटी हुई गोदड़ी डालकर उसके ऊपर आप बैठ गए। भाई लद्दा ने अपने मुंह और बदन पर कालिक पोत ली और लोगों के लिए निकम्मा बन गए। वही भेष बना लिया जो महाराज जी ने आदेश दिया था कि उसका ऐसा हासर होगा जो उनकी सिफारिश लेकर आएगा। मुंह भी काला कर लिया, चीथड़े पहन लिए और गधे पर बैठ गए। वह लाहौर से अमृतसर की तरफ चल पड़े। भाई लद्दा जी एक महान परोपकारी गुरसिख थे और अपनी हानि करके भी दूसरों का सदा भला करते थे। धीरे धीरे चलते हुए अमृतसर पहुंच गए। सतगुरु जी को पहले ही पता चल गया था, इसलिए सतगुरु जी स्वयं आगे होकर मिले तथा हंसकर वचन किया, भाई लद्दा जी यह कैसा सांग बनाया हुआ है। सतगुरु तो जानी जान होते थे। जब सतगुरु को पहले ही एहसास हो गया था कि भाई लद्दा जी ऐसा भेष बनाकर अमृतसर पहुंचने वाले हैं, सतगुरु पहले से ही उठकर उसके स्वागत में हो लिए और मुस्कराए कि भाई लद्दा जी यह कैसा सांग बनाया हुआ है। महाराज जिस तरह आपकी आज्ञा। भाई लद्दा जी ने उत्तर दिया कि आपने तो यही कहा था कि जो उनकी सिफारिश लेकर आएगा उसका मुंह काला किया जाएगा और गधे पर बिठाया जाएगा। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। महाराज सत्ता और बलमंड कुष्ठ रोगी हो गए हैं तथा कुरला रहे हैं, दया कीजिए, आपका यश करेंगे, भूल अनुभव करते हैं, इन्हें क्षमा कर दें। बच्चे सदा भूले करते रहते हैं और माता पिता क्षमा करते रहते हैं, मेहर करें, फिर भी गुरु घर के कीर्तनीय हैं। इस तरह भाई लद्दा जी ने विनती की। सतगुरु जी ने भाई लद्दा जी को गधे से नीचे उतारा और हाथ मुंह धुलाया तथा वर दिया, भाई लद्दा परोपकारी, यह भी वचन कर दिया कि अच्छा जिस तरह इन्होंने सतगुरु महाराज यानी गुरु नानक देव जी तथा बाकी के गुरु साहिबों की निंदा की थी, तैसे ही यश करें। वह जैसे जैसे यश करते जाएंगे वैसे ही उनका कोष्ठ रोग दूर होता जाएगा। कि उसी प्रकार जिस प्रकार काम करते थे उसी प्रकार गुरुवाणी का यश करते चले, जैसे जैसे गुरुवाणी गाते जाएंगे उनका कुष्ठ रोग दूर होता चला जाएगा। सतगुरु ने फिर उनके पर कृपा कर दी। सतगुरु जी का यह हुक्म सत्ता और बलमंड को सुनाया। भाई लद्दा जी सत्ता और बलमंड के पास गए और कहा कि गुरु जी ने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा, यश गाना पड़ेगा सतगुरुओं का। उन्होंने गुरु साहिब से अपनी भूल की क्षमा मांगी और वो फिर से दरबार में कीर्तन करने लगे। इनके द्वारा किया गया गुरु यशवाणी के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहब सिंह में अर्ज दर्ज है। इस तरह जब सत्ता तथा बलवंड ने गुरु महाराज जी की स्तुति की तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया, भोग डाला गया तथा अमृत सरोवर में स्नान किया तथा वे तरोताजा शुद्ध हो गए। वह पुनः गुरु दरबार में कीर्तन करने लग गए। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने हुक्म दिया कि आगे से तमाम सिख राग तथा साज विद्या की शिक्षा प्राप्त करें तथा गुरु घर में हर कोई श्रद्धालु कीर्तन कर सकता है। ये तभी से सभी के लिए गुरुओं ने ये हुक्म दिया था कि कोई आगे से कोई एक जो दो रागी होते हैं उनके मन में कोई घमंड ना आ जाए तो ये फरमान सुनाया था आगे से सभी कीर्तन करेंगे। रबाबियों की अजारेदारी को समाप्त कर दिया गया। वह इसलिए कि कोई शिकायत देकर कीर्तन करने से आकी ना हो। यदि रागी या रबाबी न भी मिले तो भी कीर्तन होता रहे। तो चेतावनी कितनी बड़ी गुरुओं द्वारा दी गई कि कई बार गुरुमुखों के मन में भी अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़े गुरुमुख हैं और यह अहंकार ही सबसे बड़ी रुकावट है इस सतमार्ग में। तो सत्संग के आखिरी चरण में आसावज मास की स्तुति महाराज जी ने जो गाई है, प्रेमी भाई श्री राम जी आपके समक्ष रखें।
ओम ब्रह्म सत्यम असूज आस मिटे सब मन की घर मिले शब्द अविनाशी पल पल कीरत प्रभ की गाई नित निर्भय दाम निवासी आद अंत मद राखन हरा सत ठाकर घर पायो बरमत मनुआ घर में आया नित प्रभ का मंगल गायो वस्त अगोचर प्रगट पाई सत ठाकर सुख राशि नित मनुआ प्रभ चरण समाया सब विपत से पाई खुलासी जन्म जन्म अंधकार विनाशा घर अवगत चानन होई सतगुरु सीख निर्भय समाया सत नाम की कथा परोई जन्म जन्म अंधकार विनाशा घर अवगत चानन होई सतगुरु सीख निर्भय समाया सत नाम की कथा परोई मनुआ अंतर नाम दे आई सूरत भई मतवाली मंगत अचरज खेल घरे पाया सब मिटी बरम की जाली मनुआ अंतर नाम दे आई सूरत भई मतवाली मंगत अचरज खेल घर पाया सब मिटी बरम की जाली ओम ब्रह्म सत्यम अब आरती होगी तू पार बरम परमेश्वर तीन काल रछ पाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कवल दयाल तू नित पतित उधार है पूरण प्रभ जगदीश
मो माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत तू दाता दातार है पूरे को तम सुखरी पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सब को सर्जन हार तू आद पुरख अबनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जियाया दार अनमत को करे को राख ले कृपा निद कर तार काल कर में जाए दूषना खल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की आखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समान अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घटे अंतर करो प्रकाश अंतरगत सिमरण करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहेब सर्व प्रकाशी शब्द रूपया खंड गुनी मुनी ओ स्तुत करे ताने मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार कायांतर परताक्ष होवे नाद रूप बिस माद पल पल की जू आरती ताने मन तजू व्यार जागे आवन सुपला होए तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतरगत करूं आरती भाव दोस्तर तर अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता
सात धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, भिख ममता होए नाश, सात सरु परमात्मा, जल थल पाऊ प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा दार, समता साधन पाए के नित पर साजय जय का, सात करम सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के जीत चलो संसार, सात करम सत शिचय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। संगत के लिए एक सूचना है।